हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने दुबले पतले शरीर को लेकर। आजकल अधिकांश लोग अपने दुबले पतले शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बदलती लाइफस्टाइल और समय की कमी के चलते कई लोग खुद को समय नहीं दे पाते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है। आज मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊँगी जो बहुत दुबले पतले हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है और वो जल्दी अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जल्दी वज़न कैसे बढ़ाते हैं। आजकल बहुत से लड़के लड़कियां जिनका वज़न बहुत कम है, वो खुद को फिट रखने की चाह में जिम का सहारा लेते हैं तो कई हेल्दी डाइट का। कई लोग तो वर्कआउट भी करते हैं, खाते पीते तो बहुत हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ पाता है। खाया पिया शरीर में लगता ही नहीं है। कई दुबले पतले लड़के लड़कियां तो लोगों के बीच में जाना भी पसंद नहीं करते, उन्हें लोगों के बीच में जाने में शर्म आती है। दुबले पतले शरीर के चलते कई लोग तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग घर में या जिम में घंटों वर्कआउट करते हैं, उससे वज़न नहीं बढ़ता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वज़न बढ़ाने की कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। वज़न बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनसे वज़न तेज़ी से बढ़ता है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसी तरह डाइट के बारे में भी पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से वज़न बढ़ता है या नहीं। कि आप कुछ भी पूरा दिन खाते रहो और जो चीज़ वज़न बढ़ाने वाली है उसे ना खाओ। वज़न आपको बढ़ाना है वो भी हेल्दी तरीके से। कई लड़के लड़कियां वज़न बढ़ाने के लिए जंक फूड, ऑयली फूड खाने लग जाते हैं। उससे वज़न तो बढ़ेगा पर वो फैट से बढ़ेगा, हेल्दी तरीके से वज़न नहीं बढ़ेगा। तो हेल्दी तरीके से अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं आपको हेल्दी तरीका अपनाना होगा, तो इसके लिए जिससे आपके मसल्स भी बढ़े हों, आपका वज़न भी बढ़े और आपकी बॉडी भी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको पता चल सके कि वज़न बढ़ाने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कुछ टिप्स के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपका वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे आपका वज़न तेज़ी से बढ़े। ये सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। बनाना और चीकू शेक, वज़न बढ़ाने के लिए बनाना और चीकू शेक सबसे बेस्ट है। आप एक गिलास मिल्क लें और उसे मिक्सी में डाल लें, उसमें एक केला एक चीकू डालकर, आप उसमें दो केले दो चीकू भी डाल सकते हैं। ये शेक पीने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। दूध से आपको फैट, कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा। चीकू और केले से कार्बोहाइड्रेट, कई विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। आप इसे दिन में दो बार किसी भी टाइम पी सकते हैं। कोशिश करें शाम को 6 बजे से पहले ही पीने की। एक बार आप सुबह 10-11 बजे के आसपास भी पी सकते हैं और शाम को 5-6 बजे के आसपास भी पी सकते हैं। अब बारी आती है दही और आलू की। दही और आलू से भी वज़न बढ़ेगा। दही में प्रोटीन और आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आप एक कटोरी दही में 2 उबले आलू के टुकड़े डालकर उसका रायता बना लें, उससे दोपहर के खाने के टाइम खा सकते हैं, उससे भी वज़न तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 3, दूध और दलिया। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से आपका वज़न बढ़े तो आप डेली ब्रेकफास्ट में दूध और दलिया खाएं। आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी बॉडी भी बननी शुरू हो जाएगी। दूध से आपको प्रोटीन, फैट और कैल्शियम मिलेगा और दलिया से हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। नंबर 4 पर आता है खजूर वाला दूध। खजूर वाला दूध भी तेज़ी से वज़न बढ़ाता है और आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। आप रात को रोज़ाना सोने से पहले 1 गिलास खजूर वाला दूध ज़रूर पिएं। इसे बनाने के लिए आप 5 ग्राम फुल फैट मिल्क लें, फिर इसमें 5 से 6 खजूर लें, इसके बीज निकाल कर फेंक दें और खजूर के टुकड़े करके दूध में डालें। आप इसमें 5 से 6 किशमिश भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और 2 छोटी इलायची भी डाल लें जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। फिर दूध को धीमी आंच में 10-15 मिनट
गर्म करें और तब तक गर्म करें जब तक दूध आधा ना रह जाए। फिर दूध पी ले और खजूर और किशमिश खा ले। दूध को लगातार एक हफ्ते पीने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और शरीर की कमजोरी भी दूर होगी। नंबर 5 पर आती है मूंगफली। दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन्स लेते हैं पर हेल्दी फूड्स को भूल जाते हैं। हेल्दी फूड्स भी तेज़ी से वज़न बढ़ाते हैं। मूंगफली से आपको हेल्दी डाइट्स मिलेंगे, आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। इसे ऐसे ही गरीबों का बादाम नहीं कहा जाता है, इसमें बादाम से ज़्यादा कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो आप डेली किसी भी टाइम थोड़ी सी मूंगफली ज़रूर खाएं। नंबर 5 पर आता है घी। दोस्तों, आप डेली एक चम्मच घी ज़रूर खाएं। इसे आप रोटी में लगा कर खा सकते हैं या किसी सब्जी में डाल कर भी आप खा सकते हैं। नंबर 7 पर आते हैं अंडे। अंडा भी आपके वज़न बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करता है। अंडे से आपको पूरा प्रोटीन मिलता है। अंडे से आपका वज़न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके मसल्स बनने भी शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। और नंबर 8 पर आता है पनीर। फ्रेंड्स, पनीर भी वज़न बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप डेली 50 से 100 ग्राम पनीर खा सकते हैं। हो सके तो पनीर को आप डिनर में खाएं तो कैल्शियम प्रोटीन का काम करेगा, मतलब जो उसमें प्रोटीन है वो स्लो डाइजेशन प्रोटीन है, पूरी रात आपको प्रोटीन मिलता रहेगा। नंबर 9 पर आते हैं चने, काले चने और दाल। आप डेली सुबह उठकर रात के भीगे एक मुट्ठी चने खा सकते हैं। दिन में या रात में आप कभी भी दाल ज़रूर खाएं। डेली लंच या डिनर उसमें काले चने या दाल ज़रूर शामिल करें और सब्जी जो आप खाते हो वो खाते रहो। ये तो बात हुई जल्दी वज़न बढ़ाने वाले फूड्स की। अब बात आती है जल्दी वज़न बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस की। अगर आप जल्दी वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बॉबल स्क्वैश, शोल्डर्स प्रेस। डेली इनमें से एक ना एक एक्सरसाइज ज़रूर करें। इनमें हैवी वेट लें, 4 स्टेप लगाएं, हर स्टेप में 10 स्टेप ही रखें। हर स्टेप पर वेट ज़रूर बढ़ाएं। अपना वर्कआउट 45 मिनट में ही ख़त्म कर लें। अगर आप घर पर ही अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पुशअप, पुलअप, श्वास जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली इन एक्सरसाइजेस को करें, इसके 4-4 स्टेप लगाएं, हर स्टेप में 15 से 20 स्टेप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट और एक्सरसाइज की बात हो गई, आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब कुछ टिप्स की बात करेंगे, अगर आप इन टिप्स को फॉलो किया तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 1, स्लीप। डेली 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, इससे वज़न तेज़ी से बढ़ेगा और नींद भी अच्छी होनी चाहिए। डिस्टर्ब वाली नींद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी नींद 6 से 7 घंटे प्रॉपर बेस्ट होनी चाहिए। आप सोने से पहले अपना फ़ोन, टीवी बंद कर दे और लाइट ऑफ कर दे, जिससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। नंबर 2, ये जो डाइट बताई गई है इसे तो आप अपनी डाइट में ऐड करें, बाकी जो भी खाते हैं खाते रहें। दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। हो सके तो दोपहर के खाने के बाद 10-15 मिनट आराम करें। 10-15 मिनट आप सो सकते हैं या फिर लेटकर आराम कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है डाइजेशन। डाइजेशन वज़न बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके डाइजेशन का, क्योंकि आप चाहे जो भी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, अच्छा अच्छा खा लें, वो आपके शरीर पर नहीं लगेगा जब तक आपका डाइजेशन, मतलब आपकी पाचन क्रिया ठीक ना हो। आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप जो भी खाओगे आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। वज़न कैसे बढ़ेगा? वज़न बढ़ाने के लिए आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो आप बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम ठीक करने की। देखिए, जैसे मैंने बताया, दिन में 5-6 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, आपको जितनी भूख हो उससे हल्का खाएं। दिन में 6 से 7 गिलास पानी पिएं, सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं, इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। डाइजेशन को ठीक करने के लिए अपनी डाइट में फाइबर वाले फूड्स ज़रूर ऐड करें, जैसे आप बीन्स सैलेड ज़रूर खाएं, लंच खाएं या डिनर करें उसमें ग्रीन सैलेड ज़रूर ऐड करें। आप खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी ये ज़रूर खाएं, इससे फाइबर मिलेगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जंक फूड से दूर रहें, ये डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है, वज़न बढ़ने नहीं देता है। नंबर 5 पर आता है डिप्रेशन।
डिप्रेशन से दूर रहें, खुश रहें, लाइफ इंजॉय करें और अपने आप को अंदर से हेल्दी फील करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाएं, कौन सी एक्सरसाइज करें। अगर इन चीज़ों को एक महीना सीरियसली आप फॉलो किया तो आपका वज़न 100% बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बने रहिए जोया हेल्थ केयर टिप्स के साथ।